जब ब्लॉग बनाओ तभी मेरी बेइज्जती हो जाती है। बनवा इसको, बिल्कुल नहीं डरी मैं। फोन इतना, बर्तन हमारे पास बहुत है लेकिन हम शो ऑफ नहीं करते। हेलो एंड वेलकम टू रति पांडे डायरीज। तो आज मैं नेल पेंट जरा निकाल रही हूँ। एज यूजुअल मेरी शूटिंग चल रही थी और मेरे रेड रेड नेल पेंट देखकर आप डर जाते हैं, इसीलिए मैं सोच रही थी कि मैं पहले ही निकाल लूँ। तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज मेरी छुट्टी है, 4 दिन की छुट्टी है, तो मैंने सोचा कि आज ब्लॉग बना ही लेती हूँ, नहीं तो आपके कंप्लेंट्स आने शुरू होंगे और मेरी ब्लॉगिंग भी बहुत डिले हो रही है। तो आज बनाएंगे हम बिहार का एक और स्पेशल डिश। जी हाँ, मैं बिहारी हूँ यार और मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, तो अगर मैं नहीं दिखाऊँ कि बिहार में कितने सारे अच्छे अच्छे पकवान हैं और कितने सारे अच्छे अच्छे डिशेज हैं तो फिर कौन दिखाएगा? दिखाना सब चाहते हैं लेकिन मेरे लिए बिहार बहुत करीब है, तो इसीलिए आज हम बनाएंगे दाल पूरी विद आलू की सब्जी एंड खीर। चलिए इसके बारे में भी बीच बीच में बताते रहेंगे कि ये आज क्यों बना रहे हैं। स्ट्रेट टू द किचन। चलो तो आ गए हैं हम अपने किचन में और मैंने सोचा कि मैं आपको एक सरप्राइज दे देती हूँ। मतलब हम शुरुआत करेंगे मीठे से। आज तक हमारे ब्लॉग में कुछ मीठा नहीं बनाया मैंने, तो आज के ब्लॉग में ना हम मीठे से शुरुआत करते हैं। वो है खीर, जो मैं जिस तरह से बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। खीर तो आप लोग भी बनाते ही होंगे। तो ये रहा चावल, ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, ये दिखाइए विकास। दूध है हमारा गरम, अभी ये जैसे ही खोलेगा इस चावल को, ये मैंने कम से कम 1 मुट्ठी चावल लिया है, ये मेरे वापस मम्मी की ही रेसिपी है और मम्मी ने सीखा था मेरे नाना से, लेकिन इसमें मैंने तड़का वड़का लगा के कुछ और ही बना दिया। मैं क्या करती हूँ, इसको मैंने भिगो के रखा था कम से कम आधे घंटे के लिए। ये बासमती चावल है, 1 मुट्ठी चावल है, अब हम इसको थोड़ा सा कूटेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम इस पे कूटेंगे और ज्यादा बारीक नहीं, बस हम चावल के जो लंबे लंबे दाने हैं ना उसको छोटा छोटा करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमने बारीक नहीं रखा है, हमने इसको बस तोड़ा है इनटू स्मॉल पीसेस। ठीक है, अब जैसे दूध उबलेगा, उबलते ही हम इसको यहाँ पे डाल देंगे सारे चावल। और अब इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे, थोड़ा चलाएंगे और इसको तब तक पकाएंगे जब तक ये चावल उबल ना जाए। तो मैक्सिमम आधे घंटे तक हम इसको देखते रहेंगे कि ये पक रहा है या नहीं। तो चलिए खीर की शक्ल देखते हैं। ये देखिए चावल धीरे धीरे पक चुका है, ऑलमोस्ट पक चुका है। इसको हम प्रेस करके देखेंगे, ये देखिए ये पक रहा है। तो जैसे ही ये पक जाए उसमें अब हम डालेंगे गुड़, ये पाम जागरी है, और इसको मिक्स करेंगे। मैं जब भी खीर बनाती हूँ स्पेशली गुड़ का ना, तो मुझे एक तरह से फियर रहता है कि कहीं दूध फट तो नहीं जाएगा, बिकॉज कोई कोई मोस्टली गुड़ में सोडा मिक्स रहता है जो नकली गुड़ होते हैं। अभी इस गुड़ को भी काफी टाइम हो गया है, होप सो कि ये फटे ना, और अगर फट भी जाता है ना तो उसके बाद भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, एक बोलते हैं ना मावा टाइप वैसा वाला। अब हम इसमें डालेंगे ऐसे कतरे हुए बादाम, आमंड्स, थोड़ी सी इलायची पाउडर खुशबू के लिए, और हम डालेंगे इसमें केसर। ये मैं कश्मीर से बहुत ही अच्छी केसर लेकर आई थी,
जो अरोमा आ रहा है भैया, दिखाइए विकास जी, कितना मजा आ रहा है। इतना सा केसर डाल दिया, अब इसको हम चलाएंगे, मिक्स करेंगे और ये हमारा खीर रेडी। गैस बंद। तो सबसे पहले गरम कढ़ाई में हम डालते हैं सरसों का तेल, उतना तेल जिससे कि हम आलू फ्राई कर सकें। तो खीर के बाद अब शुरू करते हैं हम जल्दी से आलू की सब्जी बनाना। तेल गरम हो रहा है, जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया सरसों तेल, ये रहे आलू। आलू को हमने इस तरह से पीसेस में काट लिया है, थोड़े बड़े बड़े। बहुत अभी छन से आवाज आने वाली है, अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक काम करती हूँ, पानी गिरा देती पहले। तो पानी निकाल दिया है हमने और इसको डालते हैं हम एक के साथ। देखो मैं डरी? बिल्कुल नहीं डरी मैं। अब इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने देंगे, जैसे ही ये गोल्डन ब्राउन होगा पक भी जाएगा, फिर इसको हम निकाल देंगे बाहर। सारे काम जो है बैठे बैठे करूंगी। आलू मैंने निकाल लिया है, वो भी कढ़ाई ढकने के ढक्कन में। घरों में ऐसा ही होता है, कौन इतना बर्तन, हमारे पास बहुत है लेकिन हम शो ऑफ नहीं करते। और कोई बर्तन नहीं मिला था तुमको डिस्पोजेबली? आई एम सो सॉरी दोस्तों, आप ये दुखी हो के आप ये ना सोचे कि हमारे पास बर्तन नहीं है, हमारे पास कंच मसाले के डब्बे भी हैं, ये देखिए नया है। अच्छा लगा ना, मैं बहुत ज्यादा मतलब सोच रही थी कि मैं ये डब्बा लूँ, बहुत ही फैसिनेटिंग है। तो ये डब्बा आ चुका है दोस्तों हमारे ब्लॉग के लिए, हमारे घर के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं सब्जी से। ये वही तेल है जिसमें हमने आलू फ्राई किया था, इसमें हमने थोड़ा सा तेल निकाल लिया क्योंकि बहुत ज्यादा तेल था। अब हम इसमें डालेंगे पचफोरन। पचफोरन मतलब पांच मसाले साबुत। ये देखिए इसमें सौंफ है, जीरा है, कलौंजी है, सरसों है, मेथी है, पता नहीं कितने सारे हैं, बोलते हैं पांच फोरन। अब डालते हैं दो मिर्च, सूखी मिर्च, तेज पत्ता, ताकि ये फ्राई हो जाए। और अब हम डालेंगे टमाटर बारीक कटे हुए, मैंने दो टमाटर लिए छोटे छोटे। और अब मेरे नए डब्बे में से मतलब मसाले के डब्बे में से मसाले डालूंगी। कौन करता है ऐसे फ्लॉन्ट यार, बट मैं फ्लॉन्ट करूंगी। तो ये गया हल्दी, करीब डेढ़ स्पून हल्दी। ये है धनिया पाउडर 2 टीस्पून। और अब डालेंगे करीब 1.5 टीस्पून जीरा पाउडर। ये गया कश्मीरी मिर्च स्वाद अनुसार। मिक्स करेंगे इसको। नमक डाल रहे हैं हम स्वाद अनुसार। और अब इसको हम तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर थोड़ा सा गल नहीं जाता। तो ये टमाटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, ये दिखाइए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी डालते ही हम इसमें डालेंगे जो आलू हमने फ्राई किया था। ये थोड़ा ग्रेवी कम लग रहा है, इसको और ज्यादा ग्रेवी बनाने के लिए। वाव क्या कलर आया। तो इसको मैक्सिमम हम 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो ग्रेवी है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, कंसिस्टेंसी उसकी अच्छी हो जाए। और उसके बाद तो रेडी, मतलब कलर देखिए भाई, कलर कलर देखिए कितना मस्त आया है। वाव क्या बात है।
और ये सब्जी गई है पक, और हम इसमें एक दो चिलीज, चलिए पांच डाल दिया, इसको चीरा लगा के अब इसको हम डालेंगे, इसके ऊपर धनिया, बहुत सारा धनिया डाल दीजिए, मस्त चलाइए, और ये लीजिए हो गई आपकी आलू की सब्जी रेडी। मस्त, इसको हम सर्व करेंगे। तो चलिए आलू की सब्जी रेडी हो गई है, खीर रेडी हो गया है, अब बारी है मेन जो हम डिश बनाने वाले हैं, वो है दाल पूरी। तो चलिए जल्द से जल्द हम चलते हैं, तैयारी करते हैं दाल पूरी की। तो ये रहा हमारा चना दाल, इसे हम करीब आधे घंटे तक फुला कर रखेंगे, उसके बाद इसको बॉईल करेंगे। तो ये रहा दाल, हमने कुकर में डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हम बाद में भी नमक थोड़ा ऐड करेंगे, और अब करेंगे कुकर को बंद और इंतजार करेंगे 4-5 सीटियों का। तो मैंने करीब 4-5 सीटी इसमें डलवाई है और दाल कुछ ऐसा प्रिपेयर होगा, और अब इसको हम स्ट्रेनर में छान लेंगे। ध्यान रहे दाल पूरी तरह गलनी नहीं चाहिए, हम देख लेते हैं बहुत गर्म है, हाँ ये ऑलमोस्ट पक चुका है, अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे। तो गाइस इस चने को हमने डाल दिया है जार में, आज बहुत ज्यादा काम हो रहा है, खीर बनाए, आलू की सब्जी अब ये दाल पोड़े, चलिए मेहनत करते हैं। इसको अब हम करेंगे ग्राइंड, थोड़ा सा गीला गीला था तो मैंने 15 मिनट के लिए इसको ड्राई कर दिया था पंखे के नीचे, अब इसको हम चलाएंगे। आप देख सकते हैं कि ये हिलडुल बिल्कुल नहीं रहा, ये ऐसा जम जाता है, लेकिन बिल्कुल भी इसमें पानी ना डालें, ये हमको ऐसे ही ड्राई पीसना है, और अगर मिक्सी से ज्यादा नहीं पिसाया तो इसको हाथ से भी ऐसे ऐसे मसल के पीस सकते हैं। बंद हो गया, हेलो मिक्सी खराब तो नहीं हो गया? Guys, give me a break. I'll fix this and we'll come back. जब vlog बनाओ तभी मेरी बेइज्जती हो जाती है। बनवा इसको। Cut कर दे। तो ये दाल हमने ऐसे दरदरा सा पीस लिया है। इसमें कुछ कुछ साबुत भी दाल होंगे तो इट्स ऑल राइट, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, जब हम बेलेंगे तो उसमें वो पिचक जाएगा। तो अब हमने थोड़ी सी कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाला है, मस्टर्ड ऑयल, इसको छौंक लगाने के लिए हम इसमें डालेंगे गर्मा गर्म मस्टर्ड ऑयल में जीरा, जीरा का फोरन, और ये चना दाल है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए हम इसमें डालेंगे इतना सा हींग, थोड़ा सा और डाल देते हैं क्योंकि चना ज्यादा है, जितनी हींग की स्मेल आएगी ना उतना ही अच्छा लगेगा, और ये डालते ही अब इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लाल मिर्च मसाला, लिटिल बिट, जिसको जितना तीखा पसंद है, और अब डालेंगे हम अपने चने को, डाल रहे हैं इसमें गरम मसाला स्वाद अनुसार, ये हमारे घर का गरम मसाला है, और इसको करेंगे मिक्स। हमने इसमें नमक भी डाला जो हम दिखाना भूल गए, ये हो गया है रेडी, अब इसको करेंगे हम ट्रांसफर एक बोल में, तो चलिए अब हम तैयारी करते हैं आटे की, आटा हमने पहले से ही रेडी कर लिया है, अब इसमें फिल करेंगे ये बैटर। तो
तो ये हमारा रेडी है सामान, और चलिए हम लेते हैं सबसे पहले आटा, जो हमने थोड़ा सा हार्ड इसको नीड किया है। ये आटे को लेकर हम इसमें लगाएंगे पत्थन, पत्थन मतलब सूखा आटा, और सूखे आटे को लेके बिकॉज इधर ढूंढ कीजिए, इसको बीच में प्रेस कर करके कर करके कर करके इसको एक कटोरी का शेप दे देना है, एक वेसल की तरह। ये देखिए एक सांचे की तरह हो गया, ये क्या बात है, मैं पॉटरी भी बहुत अच्छा कर सकती हूँ। और अब समय ना नष्ट करते हुए डालेंगे ये दाल, जो फिलिंग है ये डाल देंगे। भाई देखने में तो बहुत ही लजीज लग रहा है, और इसको प्रेस करते हुए जो एक्स्ट्रा है वो हल्का सा निकाल देंगे, और इसको हम अब सूखे हुए आटे से ऐसे लेकर बेलेंगे। आइए सभी बहनों और उनके भाइयों को मैं ये कहना चाहूंगी, हाँ इस बार मैंने ठीक बोला कि मैं रोटी कैसे बनाती हूँ, वो देखिए कितनी टैलेंटेड हूँ मैं। इसको हम आराम आराम से साइड बाय साइड इसको ऐसे बेल देंगे, क्या बात है, आई एम सो परफेक्ट। मैं थोड़ी बड़ी रोटियां बना रही हूँ क्योंकि मुझे ज्यादा खाना नहीं है। ये लीजिए रोटी रेडी, अब हम इसको डालेंगे तवे पे। अब इसको पलट दिया है हमने, पलटने के बाद इसमें लगाएंगे मस्त घी। और घी लगा के हम इसको पलट, दूसरी तरफ भी हम घी लगा देते हैं। गोल गोल रोटियां बनाना जो है ये मेरा बचपन से शौक था। तो ये मैं बताने वाली थी, विकास ऊपर आइए जरा, तो जब बताती हूँ तो आप सीधे उधर चले जाते हैं। तो मैं ये बताने वाली थी कि मुझे एक्स्ट्रा रोटीज बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वहां से ही लार टपक रहा है मिस्टर विकास का कि भाई अगर आप ही खाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं एक्स्ट्रा बना रही हूँ। और यहाँ हम घी यूज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इस पराठे के लिए सरसों तेल का भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब सरसों तेल लगाकर भी आप इस पराठे को बना सकते हैं, वो और अमेजिंग होगा। भाई मेरी तो भूख बढ़ती जा रही है, ये देखिए कलर देखिए पराठे का भी, देख रहे हैं पलटना, देख रहे हैं, वाह 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 वाह। एक और बार पलट के इसको हम करते हैं रेडी। मैंने मम्मी को कॉल लगाया है दिखाने के लिए कि मैं घर में कितना काम करती हूँ। ये देखो दाल पूरी, खीर, आलू की सब्जी, चटनी, अचार आज हमने खुद अपने हाथों से बनाया है, इस बार पैर यूज नहीं किया। What? ये मेरी मम्मी है, विकास का फोन है। तो मम्मी तुमको प्राउड फील हो रहा है कि नहीं मैं ये सब खाना बना रही हूँ? जोर से बोलो हमारे दर्शक सुने। हाँ, और तुम अदरा में तुमने मुझे खिलाया नहीं है, कभी खिलाती नहीं हूँ क्योंकि हम यहाँ पे रह जाते हैं, तो आज तुम्हारी याद में मैंने ये बढ़ाया है, और यहीं से खिला दो तुम मुझे एक बाइट, ये लो अपने हाथ से, या ये लो मम्मी, मैं तुम्हारे आज अदरा तो चला गया है। अदरा नक्षत्र एक ऐसा नक्षत्र होता है जहाँ पर किसान जो होते हैं उनके लिए होता है बारिश की शुरुआत होती है, और अदरा नक्षत्र में बिहार में ज़्यादातर मम्मियाँ ये खाना बना के दाल पूरी, आलू की सब्जी और खीर बना के खिलाती हैं अपने बच्चों को, परिवार को, है ना मम्मी? ठीक बोल रहे हैं, ताकि
उनकी सुख समृद्धि के लिए ये बनाया जाता है। तो अब तो सावन चल रहा है, अधरा नक्षत्र खत्म हो चुका है, तो क्या हम फ्लैशबैक में जाते हैं और वापस सेलिब्रेट करते हैं। ये लो मम्मी, आज मैं बना के तुमको खिला रही हूँ अधरा नक्षत्र का पेंडिंग। आओ चलिए हम टेस्ट करते हैं। वाओ, आज मैंने आपको एक और इसमें पापा को भी ऐड कर लीजिए। ओ, पापा को भी ऐड कर लीजिए, पापा को ऐड कर लीजिए। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, जरा मैं टेस्ट करूँ सब्जी। अमेजिंग सर, आपके लिए ये अदरक का स्पेशल आज बच्चे आपको खिला रहे हैं। आज धान का रोपनी कर रहे हैं पापा, ये कह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा, अदरक नक्षत्र किसानों का होता है, धान की रोपनी होती है, बीज की बुआई होती है। तो हमारे ये बिहार स्पेशल आपको कैसा लगा ये बताइएगा। हम भी थोड़ा खाना खा लेते हैं, आपको फोन करते हैं पापा। बहुत बढ़िया बना है, बहुत बढ़िया। ठीक है, जल्दी जल्दी हम दर्शकों को। वाह, देख के लग रहा है बहुत अच्छा बना है, वेरी नाइस। ठीक है मम्मी, बाय। तो सबसे पहली बार मैंने ये दाल पूरी अटेम्प्ट किया है, मैंने कभी जिंदगी में दाल पूरी नहीं बनाई थी। और विकास, तुम खाओगे तो बोलोगे, तुम बोलोगे नहीं तुम तो सब खत्म ही कर दोगे। दिस खीर इज अमेजिंग। पता नहीं, मैं जब ब्लॉग बनाती हूँ ना तो खाने की टेस्ट और ज्यादा ही बढ़ जाती है। वाओ, ये देखिए, ये रोटी देख रहे हैं आप, जिसके अंदर जो दाल है ये आप आराम से देख सकते हैं कितनी अच्छी क्वांटिटी में है। ये दाल और सब्जी ऐसे लगा के खाइए, मस्त, अमेजिंग। हरी चटनी, अचार, तो ये है खासियत हमारे बिहारी खाने की। बहुत सारे डिशेज हैं, बट दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट। आप भी जाइए अपने घर में ये बनाइए और खुद खाते खाने के साथ साथ बच्चों को भी खिलाइए। बच्चे नहीं तो बड़ों को खिलाइए, लेकिन खिलाइए जरूर। ओके, तड़ा।